اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

उसी अल्लाह वाला शरीक लू के लिए लायक व जेबा है जो हम सब का खालिक और मालिक है जिसने जिन और इंस को महज़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया उसके बाद बेशुमार सलाम दरुद वलमाम अम्बी आल मसलाम पर खसूस नबी अक्रम सल्हसम की ज़िंदगी पर जिन की ज़िंदगी का हर गोशा हमारे लिए एक रहनुमा है मोहतरम सामीन सबसे पहले मैं मेरा जो मौजू है आज का सीरत रसूल के अहम पैगाम इस मौजू की वजाहत से पहले मैं बेंगलोर दुरूस और मस्जिद रहमानी इन दोनों को मैं मुबारकबादी देना चाहूँगा कि खासकर बेंगलोर दुरुस वाले वक्तन फवक्तन ऐसे प्रोग्राम का इनका करते हैं जो लोगों के लिए मुख्तसर वक्त ही सही लेकिन हालात जिस बात का तकाजा करते हैं उस हिसाब से कुछ ना कुछ जो है लोगों के लिए कुछ ज़रूरी मवाद जो है बयान किए जाए कुछ ज़रूरी मौजूद पर बोला जाए जिसके ज़रिए से उनका ईमान भी ताज़ा हो और साथ ऐसे हालात में उनके लिए जो रहनुमा उसूल हैं या ज़िंदगी गुजारने में ऐसे लिए कुछ कुरान और सुन्नत की जो बातें जिसकी जिसके ज़रिए से जिसको अपना कर वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो ऐसे प्रोग्राम का इनका करता सबसे पहले मैं इन तमाम लोगों को मुबारकबादी देता हूँ और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताली हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाए और जो कुछ हम यहाँ सुने अल्लाह ताला सही मानो में उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन <स्थाँगा> देखिए सीरत रसूल के अहम पैगाम बहुत तवील मौजू है सीरत रसूल तो मैं दो तीन नुकात की शक्ल में मैंने जो मुनासिब समझा और ये नुकात मैंने हालात के तकाज़े के मुताबिक रखा है तो कुछ नुकात मैं आपके सामने रखूँगा कुरान सुन्नत की रोशनी में तो सबसे पहले ये है कि देखिए सीरत रसूल अलैहि वसल्लम की सीरत आपके अकवाल आपके आमाल आपके हरकत और सकनात आपके किरदार आप सलूक आपके अखलाक आपका रवैया तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है सीरत रसूल में आती हैं लेकिन इसमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो अहम पैगाम हमें मिलता है सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी वो है कलम तोहद अल्लाह तबारक ताल के कलमे को इस तीद के पैगाम को आम करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मेहनत की बहुत ज़िद्द जहद की इसके लिए ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है इसी पैगाम को आम करने में वक्फ़ किया था तोद को समझ समझने समझाने उनको दिलो जान में रासिक करने के लिए पैवस्त करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मक्की जिंदगी को उन्हीं में समेटा सिर्फ तोहहीद के पैगाम को आम किया जाए यह क्या है बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर रब वाहिद की गुलामी की तरफ ले आए यह बुनियादी मकसद था पूरी सीरत में आपका हर जगह हर हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते थे कि बंदों को क्या करें बंदों की गुलामी से निकाल दें आज़ाद कराएं इनको और एक रब की गुलामी पर लगाए उनको एक अल्लाह वहदहुला शरीक जिसने खालिक है मालिक है मबूद हकीकी भी है उसकी तरफ बंदों को क्या करे तोज्जो दिलाए जो हकीकी मालिक है हमारा तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अहम काम किया जिसकी तरफ अल्लाह तबारक ताल ने मजीद में बारहा नक्शा खींचा कि आप सल्लाह वम ने इस दावत को कैसे कैसे शुरुआत की कहाँ कहाँ पेश किया किस किस मौके पे, ये सारे तफसी हालात आप जानते हैं तो ये जो है तोहहीद की दावत को आम करने के लिए तो उस वक्त आप सल्लाम ने जिन जिन मुसीबतों का सामना किया फर्दन-फर्दन आपने दावत दी तो की फर्दन-फर्दन क्या है तन्हा तन्हा अकेले अकेले एक एक, एक फर्द को लेकर आपने इस तौहद की दावत को पहुँचाया फिर उसके बाद आपके सलूक दावत तरीक़ाकार सारों को देख लोगों ने इस्लाम कबूल किया कभी आपने क्या किया तन्हा शुरू शुरू में जो सर्री दावत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी अपनाया फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला ने कहा कि आप खुलकर दावत दें आप रिश्तेदारों को दावत दें लोगों को दावत दें जहां जहां मौका मिलता चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो बाजार हो चाहे वो फर्ज तन्हा हो या वो जो है इज्तम हो कोई हर जगह पर आपने क्या किया पूरी मक्की जिंदगी में देखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहीद के पैगाम को सबसे पहले आम किया <coughs> और इस चीज को अल्लाह तबारक तला ने कुरान मजीद में बारहा कहा मक्का ने कहना पड़ा कि क्या ये चाहते हैं आप हमसे कि सारी इबादतें हम एक मबूद से मांगे अजा वाहिद आपकी बड़ी अजीब तकसीम है हम क्या करते हैं नफा का खुदा अलग है नुकसान अलग है बीमारी अलग देता है शिफा अलग देता है हमारी अच्छाई और सब अलग अलग है हमारा बारिश देने वाला अलग है हर खुदा को हमने अलग अलग काम दे रखे लेकिन आप कहते हैं कि सारी चीजें एक ही खुदा से मांगे बहुत अजीब तकसीम है आपकी तो ये सबसे पहले तोहेद का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम किया इसलिए कि जब ये तोहद का जो पैगाम है एक इंसान के दिल जान में उसकी बस जाएगी तो ऐसी सूरत में उसके बाद सारे काम को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ही अंजाम देने की कोशिश करेगा उसके सारे शब रोज उसके लैल लहलो नहार उसकी सुबह शाम उसका लम्हा हर चीज क्या है वो शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेगा चाहे उसका ताल्लुक इबादात से हो चाहे मामलात हो चाहे वो सियासत हो चाहे वो इकतदी जिंदगी हो कोई भी जिंदगी का मैदान क्यों ना हो वो सबसे पहले यही करेगा कि मैं तौहीद जो है इस चीज को अपनी जिंदगी में बसाया है रब के पैगाम को मैंने सुना उस पर अमल किया है कबूल किया है तो लिहाजा मेरी जिंदगी का हर कदम इसी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए तो ये सोच कर वो आगे बढ़ेगा इसी पैगाम को आप सल्लल्लाहु ने आम किया और इसी के लिए पूरी आधी से ज्यादा जिंदगी मक्की जिंदगी तकरीबन आप देखें तो ऐसी सूरत में आप सल्लाम ने तकरीबन जिंदगी मक्का के अंदर इसी दावत को फैलाते रहे तो लिहाजा ये सबसे अहम पैगाम है सबसे ज़रूरी भी है इसलिए कि बात की चीज़ें मालूम है कि अल्लाह तबारक तला के हाँ नजात जो है इसी कलमे की बुनियाद पर हो सकती है आदमी जिंदगी के अंदर जब इस चीज़ को अपनाएगा तो उसकी उखरबी जिंदगी की जो जमानत अल्लाह तबारक ताल ने दे रखी है वो इसी कलम तोहद को अपनाने में दे रखी है कि जिसके अंदर सही मानों में अल्लाह तबारक तला के पैगाम को उसकी की जात पर ईमान लाया हकीकी मानों में ऐसे ही बंदे कल कियामत के दिन जन्नत के हकदार ठहरेंगे तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला सीरत की जो चीजें हैं बहुत सारे मैदान हैं उसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि तोहैद के पैगाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम किया और ये चीज आज तक चलती है लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी जिस तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने हमको तोहीद की दौलत से मालामाल किया आगे भी हम क्या करें अपने आने वाली नस्लों को भी इस तोहीद के पैगाम से जोड़ने की कोशिश करें फिक्र होनी चाहिए हमेशा इस सिलसिले में गौर करना चाहिए फिक्र करनी चाहिए कि नस्लें कैसे हमारी तोहीद पर बाकी रहेंगी इस पैगाम को आम करने के लिए क्या वसाइल हो सकते क्या इसबाब हो सकते ये सारे फिक्र जो है हमारे आबा व अजदाद में थी लेकिन आज की नस्लों में वो फिक्र नजर नहीं आती आज हमारे प्रोग्राम के अनावीन ही देखिए या तो इस्लाह माशरा रहेगा है नहीं इस किस्म की बातें रहेंगी पहले क्या होता था सबसे पहले हर मुकर जो है तोहहीद की दावत को सामने रखता फिर उसके बाद अपने दूसरे मौजू की वजाहत करते थे तो ये चीज क्या है हमारे अपने भाई अहलेदीस हैं तो ये उनकी खासियत है वो हमेशा तोहैद की दावत को सबसे पहले रखेंगे फिर उसके बाद दूसरा जो भी पैगाम है वो बताना है वो बताएंगे लोगों को ये क्या है जब तक इस चीज को हम आम नहीं करते अपने अंदर भी बारहा इसको ताजा करना चाहिए ताकि हमारे अंदर भी जो सुस्ती और गफलत है वो भी हमसे दूर हो सके और साथ साथ हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी वो राहें हम फराहम कर सकें कि जिस तरीके से हमारे आबा व अजदाद ने हमारे लिए मेहनत की कोशिशें की और उसके लिए मेहनत की तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर भी होनी चाहिए दूसरा जो अहम पैगाम है सीरत के हवाले से मौजूदा हालात देखें आप जिस तरीके से मुसलमान दूसरी यहूदी कौमें या नसरानी जिस तरीके से आजमाइश ये सारी चीज़ें चल रही मुसलमानों पर एक तरीके से ये आजमाइश का दौर है हमारा मुसलमानों पर अभी फ़लस्तीन में चल रहा इससे पहले आप देखें किसी और जगह चला था उससे पहले किसी और जगह ये वक्ता फवक्ता मुसलमानों को हालात ऐसे पैदा करते रहते हमेशा ये सारे वजुहत अल्लाह तबारक तला ने भी मजीद में बयान किया लेकिन अल्लाह का जो कानून है उसका एक दस्तूर है दुनिया के अंदर कि जो भी ईमान लाए हैं बगैर आजमाइश के हम नहीं गुजरेंगे अल्लाह तबारक तला का कानून है अलीफलाकुलना क्या ये गुमान करते हैं कि जो लोग ईमान लाए हैं हम उनको बगैर किसी आजमाइश के ऐसे ही छोड़ देंगे ऐसा नहीं है ये मामला ऐसा नहीं है जो अपने ईमान में जितना मजबूत होगा उतनी ही उसको आजमाइश से दो चार होना पड़ेगा जितना ईमान कवी होगा मजबूत होगा अल्लाह पर उसके दीन पर उसकी तालीमात पर उतना ही उसको आजमाइशों से हम दो चार करेंगे ये अल्लाह तबारक तला का कानून का है अल्लाह तआला ने कहा किसी जगह कई कि, 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 किसी और जगह अवला या रौन अन्नहुम यफ्टनुन फी कुल आम मरत या मरतैन कहा साल में एक या दो مرتبہ हम इस तरीके से हम आजमाइश जो है लाएंगे ये इब्तिला आएगी आपको इससे गुजरना पड़ेगा ये अल्लाह तबरक तआला ने कहा और आजमाइश की शक्ल भी बयान किया कहा वल नब्लुनकुम बिशैई मिन अलखौफ वल जौअ व नक्सि मिन अलअमवाल व अनफुस व तबारक तला ने आजमाइश की शक्ल को जिक्र करते हुए कहा कि हम किस तरीके से बंदों को आजमाएंगे कहा कि अल्लाह तबारक तला ने कहा खौफ के जरिए से यह आजमाइश क्या होगी खौफ के जरिए से देखिए आज क्या माहौल पैदा किया जाता है खासकर हमारा बहुत किरदार उसमें भी अपना भी है सोशल मीडिया का कि मुसलमानों में दहशत खौफ डर का माहौल किस तरीके से पैदा किया जाता है, है नहीं? बहुत अहम रोल इसमें क्या है सोशल मीडिया का है कि मुसलमानों ही को क्या करें हम ऐसे ऐसे तस्वीर भेजें जरिए से वो अपने आप में क्या है पस्त हिम्मती का शिकार हो जाए हमारे साथ ऐसे ही होता रहेगा हम ऐसे ही मार खाते रहेंगे अल्लाह ताला की मदद क्यों नहीं आएगी हम मुसलमान हैं अल्लाह की ईमान रखते हैं शरीयत पर अमल पैरा है कुरान हमारी किताब है रसूल सल अला सच्चे रसूल है सब है हम सब पर ईमान रखते हैं उसके बावजूद भी ये सारी चीजें ये खौफ के जरिए ये दहशत के जरिए ये क्या है डर के जरिए हम आजमाएंगे और क्या करें किसके जरिए भूख के जरिए से हम क्या करेंगे भुखमरी पैदा कर देंगे साली आ जाएगी इस तरीके से अल्लाह तबारक तला ने कहा कि हम आजमाइश का यह सिलसिला है हमारा फिर मालों में हम कमी भी करेंगे मालों में कमी कर देंगे बस औकात बारिश होती है लेकिन जिस तरीके से फसल हमारी मुकम्मल होना वो नहीं होती फायदा जिस तरीके से होना वो नहीं होता यानी तो मुकम्मल तौर पर नेत नाबूद हो जाएगी यानी तो हम उसमें कमी कर देंगे वल अनफुस और क्या है बहुत सारी जाने ले लेंगे हम बाप के होते हुए बेटे का इंतकाल करीबी रिश्तेदारों का इंतकाल शोहर के होते हुए बीवी का बीवी के होते हुए शोहर का इस तरीके से हम क्या करेंगे आजमाएंगे तुम बोले नबल विषय कहा इन आजमाइशों के सारे मराहिल जो भी है उसमें एक आदमी खुरा उतरता है वो अपने आप में डटा रहता है कोई भी आजमाइश आए कोई भी उसको इबिला आए लेकिन वो जो है इस्लाम से फीछे नहीं हटेगा वो अल्लाह तबारक तला की जात पर जो ईमान रखता है उसको मजीद ये सारी आजमाइशें अपने ईमान में मजीद बढ़ा देंगी उसको बस तो अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि ऐसे ही सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है ऐसे ही सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है तो अल्लाह तबारक तला ने यह सिलसिला बयान किया है कि हम किस तरीके से आजमाएंगे किस तरीके से हम जो है इन मुसीबतों से दो चार करेंगे जिसके जरिए एक मोमिन क्या है खुरा उतरता है वो डटे रहता है तो अल्लाह ताला ने तहा वनबलू वनकुम व शर फितना हम शर और खैर दोनों के जरिए आजमाएंगे ये हमारा कानून है ये हमारा दस्तूर है लेकिन ये सारी मुसीबतें क्या है अल्लाह ही की जानिब से होती हैं कुल इल्ला मा अल्लाह लना अल्लाह ने जो कुछ लिखा है वही हमें लायक होती हैं ये हमारे मुकद्दर में ये सारी चीजें हमें लायक होना है अल्लाह तबारक तला ही की जानब से है तो इस तरीके से एक मोमिन का जो किरदार है इसमें आजमाइश के मौके पर भी वो क्या करेगा इस्तेमालत दिखाएगा आजमाइश के मौके पर भी अल्लाह तबारक तला के दिन पर डटे रहेगा वो जमे रहेगा मजबूती के साथ इन आजमाइशों के माहौल के वक्त मजीद क्या है ईमान में बढ़ोतरी पैदा करेगा ये ईमान मोमिन का तरीका है उसके जिंदगी गुजारने का ला अमल है कि जितनी आजमाइशें आएंगी उतना ही मजूद मजीद क्या है मजबूत होगा उसके ईमान में मजबूती आएगी और बढ़ोतरी आएगी तो यह जो है अहल ईमान के ताल्लुक से अल्लाह तबारक तला ने कहा मुसलमानों को जो है खौफ नहीं खाना चाहिए डर नहीं होनी चाहिए इनको अपने आप में पस्त हिम्मती का शिकार नहीं होना चाहिए बल्कि मजीद अपने ईमान को क्या है बढ़ाना चाहिए मजबूती लानी चाहिए ये अपने ईमान में और क्या है मजबूत हो जाए इस तरीके से वो लोग क्या है अपने ईमान में कभी मुतजलजल नहीं होते डगमगाता नहीं बल्कि ईमान में मजबूती आती है तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्लाह की सीरत से एक पैगाम जो मिलता है वो ये कि आजमश के मौके पे क्या है ईमान का है मजबूत करना चाहिए एक मुसलमान आजमाइश के मौके पे मुसीबत और तकलीफ के मौके पर मजीद अपने ईमान को बढ़ाना चाहिए ये अल्लाह के रसूल सल्लाहसम की सीरत से हमें मिलता है एक और पैगाम जो तीसरा है और आखिरी है ऐसे मौके पे खास ख़ासकर हम मुसलमानों को सब्र का दामन अपने हाथ से जो है दान जाने नहीं जाने देना चाहिए हमेशा सब्र करें अपने आप में हमसे जो हो सकता है हम करें लेकिन अल्लाह तबारक ताल की सारी जो सुन्नत है क़ानून है दुनिया का इस तरीके से हम अपने आप में बेकाबू हो जाना ये नहीं एक मुसलमान का जो शेवा वो ये है कि सब्र करें हमेशा सब्र का दामन हमेशा अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए हमेशा अल्लाह तबारक ताला की जो चीजें हो रही हैं फैसले फला फला सारे उस पर एक मुसलमान जो है सब्र करना चाहिए अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में कहा वस्तयी तुम जो है सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह तबारक ताला की मदद तलब करो और यह क्या है अल्लाह तबारक ताला से जो लोग खौफ खाते हैं डरते हैं ऐसे लोगों के लिए बहुत आसान है बहुत ही आसान है तो लिहाजा एक मोमिन मुम्, और मुसलमान को चाहिए कि वो हमेशा हमेशा जो है सब्र करते रहना चाहिए जिस पर अल्लाह तबारक तला ने बहुत बड़ा अजर रखा है कहा कि दुनिया में तो सब्र जो लोग करेंगे कल क्यामत के दिन भी उन्हीं इसी सब्र के नतीजे हम बदला देंगे इन्नी जजई तो मास हमल्फाजून कहा कि जो लोग दुनिया में सब्र किए इसी सब्र के नतीजे की वजह से कल क़ियामत के दिन हम ही क्या करेंगे उनको उसका बदला देंगे तो ये साबरीन के अल्लाह तबारक ताली ने कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की है कहा कहीं वसाबरीन वसाबरात इन नमा वसाबिर अजर हम बैर हिसाब अल्लाह तबारक ताली ने कहा कि सब्र करने वालों को हम बेहिसाब बेपनाह हम उनको अजर देंगे ये अल्लाह तबारक ताली ने सब्र करने वालों को कहा कि हमेशा आप लोग सब्र करते रहें ये अल्लाह तबारक ताल का कानून है ये दुनिया की सुन्नत रही है ये दस्तूर रहा है लेकिन इसमें क्या है अपने ईमान को बढ़ाना मजबूती लाना ये एक मुसलमान का और एक मोमिन का तरीका होना चाहिए तो मोहतरम सामीन ये सब्र जो है इताद के कामों में भी है नाफरमानी के कामों में भी है और इसी तरीके से अल्लाह तबारक ताल के जो फ़ैसले हैं उसके कामों में भी, भी उन कामों में भी सब्र करना चाहिए इतात के कामों में भी अल्लाह तला की फरमाबरदारी है उन कामों में भी एक मुसलमान को सब्र चाहिए उसमें भी जो है सब्र मतलूब है जैसे नमाज का वक्त है और अपनी मशगोलियात ये सारी चीजें छोड़कर हमें अल्लाह तबारक तला की जो दावत है उस पर लब्ब कहना है जबकि अपनी मसरूफियात है कारोबार है तिजारत है सब कुछ है उसके बावजूद भी एक मुसलमान क्या है अल्लाह की ताद को अंजाम देने के लिए इन सारी चीजों को बाल ताक रखकर अल्लाह के दरबार में हाजिरी देता है ये सब राजमा काम है ये क्या है अल्लाह तबारक तला की तादाद के कामों पर सब्र करना है इसी तरीके से अल्लाह तबारक तला की नाफरमानी के काम बेहिसाब ख्वाहिशा है हमारे ख्वाहिश दुनिया भर की हैं हमारे लेकिन ये ख्वाहिश कैसी है बसाओकात नाफरमानी अल्लाह तबारक तला की बसाओकात इस्लाम की नाफरमानी बसाओकात रसूल की तालीमत के खिलाफ है लेकिन इन सारी चीजों में हम क्या करेंगे इन नाफरमानियों को अपने आप से बचाए रखेंगे महज इस वजह से बचा अपने आप को बचाते हैं कि हम अल्लाह तबारक ताल ने रोका है अल्लाह तबारक ताल की ये क्या है नाफरमानी होगी कल क्यामत के दिन हम अजाब के हकदार ठहरेंगे इसके लिए हम क्या करते हैं अल्लाह तबारक तला की, की मासीियत के कामों पर भी अपने आप को सब्र जो है करते हैं जिसकी वजह से कल क्यामत के दिन अल्लाह तबारक तला इस पर भी अजर हम देगा इस पर भी हमी अज़र देगा अल्लाह तबारक ताल इसी तरीके से असबर अक्तार उन चीजों पर जिसके अल्लाह तबारक तला ने हमारे हक में फैसले कर रखा है जो भी हमारे हक में अच्छे हों या बुरे हों चाहे वो खुशी के फैसले हों चाहे वो गम के हों जिस तरीके से भी जैसे भी हो उन फैसलों पर राजी होना चाहिए एक मुसलमान जो है ऐसे फैसलों पर हमेशा राजी ब होना चाहिए तो ये जो है हमेशा हर चीज में हम सब्र करें बसाओका क्या होता है अपने बहुत करीबी लोग इंतकाल कर जाते हैं लेकिन आदमी क्या होता है सब्र जो है उस वक्त नहीं करता आपसे से बाहर हो जाता है ऐसे ऐसे शिकवे शिकायत ऐसे ऐसे ताने अल्लाह तबारक ताली की ज़ात पर बसावकात नवज बिल्ला शिरकिया कलिमात भी कह देते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए जब जिस हक अल्लाह तबारक ताली ने फ़ैसला किया है तो ऐसी सूरत में जो भी फ़ैसला है वो मंजूर है इसलिए अल्लाह का फैसला बगैर के कोई खाली नहीं रहता हो सकता है कि वक्ती तौर पर हमें बुरा लगे लेकिन उससे अच्छाई जो है मतलूब रहती है तो इसीलिए जो है अल्लाह तबारक तला के फैसले पर राजी रहना चाहिए और अल्लाह तबारक तला ने अल्लाह के रसूल सल अलाम को सब्र के तलुक से कहा कि आप इस तरीके से ऐसा सब्र कीजिए जिस तरीके से आपसे पहले के अंबिया ने किया रसुल के रसूल सल्हलम आप सब्र कीजिए जिस तरीके से आपसे पहले अंबिया पैगम्बर जिन्होंने सब्र किया है वैसे आप कीजिए आप दुनिया में पहले रसूल नहीं है पहले नबी नहीं है जिनसे आजमाइशों का सामना होता है या मुसीबतें जिनसे सामना हो रहा आपका बल्कि आपसे पहले नाम है इब्राहिम सलाम है मूसा सलाम है ईसा सलाम, सलाम है तो इन लोगों ने भी क्या किया है इनका सामना हुआ है मुसीबतों से दो चार हुए हैं आजमाइशों का सामना हुआ लेकिन उसमें वो क्या हुए खुरे उतरे वो क्या किए सब्र किए हमेशा तो जिस तरीके से उन लोगों ने किया है वैसे आपके सामने मिसाल मौजूद है ये लोग सारा काम वही किए जो आपको हमने सौंपा है लेकिन इसके बावजूद भी क्या है ये लोग डटे रहे अपने काम पर जमे रहे मिनर तो इस तरीके से अल्लाह मुबारक तला ने अल्लाह के वसल्लम को सब्र करने की तलकीन की कहा हमेशा आप सब्र का दामन थामे रहिए आप हमेशा अपने ईमान पर जमे रहिए इन सारे कुफार और मश्रकिन की जानिब से जो भी है जो भी अजियतें आपको आ रही हैं एक ना एक दिन अल्लाह तबारक तला इसमें क्या करेगा आप ही के लिए खैर रखा है आप ही के लिए क्या है इसमें नजात रखा है लिहाजा आप अपने इन सारी चीजों में आप सब्र करते रहे तो अल्लाह तबारक ताल आपको एक दिन फातेह की हैसियत से निकालेगा तो बहर इस तरीके से एक मुसलमान को हमेशा सब्र करना चाहिए पुरान मजीद का अगर मुताला करेंगे तो ऐसी सूरत में सुरयूसुफ पढ़ के देखिए यूसुफ्लम का वो वाकया जो कुरान ने बयान किया है कि किस तरीक़े से यूसुफ्लाम को भाइयों ने अपने बाप से जुदा किया फिर उसके बाद कुएँ में डाला फिर उसके बाद वहाँ से किसी को कुछ लोगों ने उठाया तो वहाँ बेच दिया फिर उसके बाद अज़ीज़ मिस्र पर जो है यूसुफ आसमाम जो गए वहाँ परवरिश हुई उनकी फिर उसके बाद क्या हुआ ग़ुलाम के हिस्से से होते होते बाद में जो है अजीज़ मिस्र की बीवी ने इल्ज़ाम लगाया फिर उसके बाद क्या हुआ इस इल्ज़ाम बेबुनियाद इल्ज़ाम पर फिर भी वह खामोश रहे लेकिन उसके बाद नतीजा ये हुआ कि जेल के हवाले हुए है नहीं ये सारा वाक़ मैं इशारता जिक्र कर आप इसलिए के तफसर वगैरह में सुनते हैं तो यूसुफ़ आसमाम जो है जेल के हवाले हुए उसके बाद जो है वो सब्र करते रहे अल्लाह तबारक तला तो की जात पर के मैं बेगुनाह हूँ इसलिए उन्होंने अल्लाह तला से दुआ मांगी थी सारा तफसी ने नकल किया है मुलवि तो जाऊंगा लेकिन जो है बेगुनाही के बावजूद यूसुफ अम जो है जेल में बंद रहे काफी दिनों तक रहने के बाद भी उन्होंने क्या किया कहा कि मैं ऐसे आने वाला नहीं हूं बल्कि बहरहाल उस वाक का तस्करा कुरान ने किया है फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है बेगुनाही साबित हुई तो कुरान ने उसके बाद कहा व यस्बिर ला कहाजर महसिन जो भी शख्स अल्लाह तबारक तआला का तकवा इख्तियार करेगा और सब्र करेगा तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक तआला ऐसे महसिन का अजर को कभी जाय नहीं करेगा तो यह क्या है पूरा मरहला अलैहिस्सलाम का यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप्स की जुदाईगी के बाद से लेकर एक गुलाम की हैसीत से रहते हुए लेकिन इसी सब्र के नतीजे में हुआ क्या मिस्र के तख्त पर अल्लाह तबारक तला ने उनको बादशाही नसीब की है नहीं इसी यूसुफ को तरीके से से उनको इल्जाम तराशियों नवाजा गया फिर उसके बाद जेल के हवाले किया गया लेकिन सब्र जिस तरीके से उन्होंने किया है उसी के नतीजे में अल्लाह तबारक तला ने मिस्र की जो है तख्त नशीनी अता की ये अल्लाह तबारक तला का फैसला है ये अल्लाह तबारक तला सब्र करने वालों का साथ देता है अल्लाह तबारक तला सब्र करने वालों को इनाम से नवाजता है तो लिहाजा हमेशा अपने दीन पर अमल करने के लिए सब्र चाहिए हमेशा अपने दीन पर साबित कदम रहना चाहिए और इसी को मजबूती से थामे रहना चाहिए हालात जिस तरीके से भी आए जैसे भी पलटें, जिस तरीके से भी हमें डराने खौफ दहशत का माहौल पैदा किया जाए या है कि हमारी जो है मुआशी जिंदगी को तंग किया जाए हर तरीके से कोशिश करेंगे दुनिया वाले ये दुनिया वालों की जो है सलूक यही रहा है अहिल ईमान के साथ हर हमेशा जिंदगी के हर हालात में जैसे भी आप तारीख का मतलब करें यही सुलूक जो है नेक लोगों के साथ किया गया है लेकिन नेक लोग उस वक्त क्या हुए डटे रहे अपने दीन पर साबित कदम रहे हर हमेशा अल्लाह तबारक तला के दीन पर वो लोग मजबूती के साथ जमे रहे और दूसरों को इस दीन की दावत देते रहे तो ये जो है सबसे अहम काम है कि हम जो है अपने आप में सब्र का दामन हमेशा थामे रहना चाहिए तो ये अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें जो मालूम होता है कि हमेशा एक मुसलमान जो है सब्र सब का दामन हमेशा थामे रहना चाहिए इसी तरीके से सब्र जो है बेशुमार चीज़ों में है तो उसमें जो है एक चीज़ यह है दावत तबलीग के मैदान में आदमी को सब्र चाहिए दावत तबलीग के मैदान में हमेशा जो है सब्र चाहिए जब तक अपने आप को आप सब्र से हमत से इन सारी चीजों से अपने आप में तैयार नहीं कराएंगे उस वक्त आप सामने वालों को दावत नहीं दे सकते खुद जो है आदमी का अच्छा किरदार हो उसके अखलाक अच्छे हो उसकी गुफ्तार अच्छी हो उसका सलीका अच्छा हो मामलात अच्छे हो ये सारे तरीके जब अच्छे रहेंगे तो आप सामने वालों को दावत दे सकते हैं वरना सिर्फ मेरी अपनी जबान से दावत मेरा अमल और किरदार उसके बिल्कुल बरखिलाफ हो तो ऐसी सूरत में ये दावत मेरी कारगर साबित नहीं होगी ये मेरी दावत कारगर साबित नहीं होगी हमेशा जो है ये दावत में क्या है सब्र चाहिए आदमी को इस मरहले में अल्लाह तबारक तला ने जैसे सुर असर में कहा इंसान खुसर वलअर इनबिलहक वब्र का ईमान लाओ नेक अमल करो हक की वसीयत करो फिर उस बात क्या है आखिर में कहा इन सारी चीजों में जो भी मुश्किल आएंगी जो भी तकलीफें आएंगी इस पर सब्र करना यह हमारे लिए जरूरी है ये सब्र चाहता है तो लिहाजा अपने आप में इत के कामों में भी, भी सब्र चाहिए नाफरमानी से बचाने के लिए भी सब्र चाहिए और अल्लाह तबारक तला के फैसले की इसलिए के फैसले अल्लाह तला के हक पर मबनी होते हैं हक पर हम ही मबनी होते हैं तो लिहाजा इस फैसलों पर भी राजी रहना ये एक मुसलमान का शेवा होता है तो लिहाजा जिस तरीके से लुकमान ने कहा या बुनैया तबरूफ वनहानिल मुनकर वस्बिर अलामा असाबक कहा है मेरे बेटे नमाज कायम करो और भलाई का हुक्म दो बुराई से रोको और क्या कहा वस्बिर अलामा असाबक जो कुछ तुम्हें तकलीफ पहुंचे उस पर तुम सब्र करो जो कुछ तुम्हें जो मुसीबत पहुंचे तो इसी सूरत में तुम सब्र करो ये सब्र ही ऐसी चीज है जिसे अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि हथियार है एक मोमिन का सब्र और नमाज क्या है हथियार है जिसके जरिए से एक मुसलमान इन दोनों के जरिए से क्या है दुश्मन को भी मात दे सकता है ये अल्लाह तबारक ताला ऐसे नेक लोगों को ये हथियार अता किया है जिसके जरिए से वो क्या है अल्लाह तबारक ताला उनके लिए राह हमवार करता है उन्हीं के लिए असबाब फराहम करता है तो इस तरीके से सब्र जो है हमेशा जिंदगी के हर मरहले में एक मोमिन का जो है शेवा होना चाहिए उसको अपनाना चाहिए ये सारी चीजें आपके लिए आपकी दावत के लिए कारगर साबित होगी तो इस तरीके से अल्लाह तबारक तला ने एक मुसलमान को कहा कि हमेशा सब्र सब्र का दामन थामे रहना चाहिए ये अल्लाह के रसूल सल्हस की जिंदगी में देखें किस किस तरीके से किन किन मौकों पर आपने सब्र किया है कैसे कैसे हालात पैदा किए गए उन हालात में आपने सब्र कैसे किया तो ये वाकयात सीरत और तारीख की किताबों में भरे पड़े हैं कि आपकी पूरी जिंदगी इसीलिए आप पक्की जिंदगी का आखिरी दौर देखें कि जिस वक्त आप खतीजा रजी अल्लाह इंतकाल हुआ फिर आपके चचा का इंतकाल हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा था कि दुनिया में अब मेरा कोई है ही नहीं सारी दुनिया खत्म हो चुकी है पूरे के पूरे मुझसे कोई मेरा बाजू सहारा देने वाला नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक तला ने तसली दी आप सल अल्लाह को तसली दी कहा आप घबराइए मत इससे इसलिए कि आपकी पूरी वजूद ही दुनिया में जो यतीमी जिंदगी से किया था अल्लाह तबारक ताला तो पूरी जिंदगी क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब्र ही का नतीजा है जिसके जरिए से आपने मुख्तसर वक्त के अंदर एक ऐसी कौम को तैयार किया जो रहती दुनिया तक के लिए एक मिसाल बन गई एक मिसाल बन गई तो इस तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि सबर का दामन हमेशा थामे रही सब्र कीजिए हमेशा तो यही नतीजा था कुरान पढ़ेंगे तो फिर और मूसा का वो वाक्य जिसमें अल्लाह तबारक ताली ने दोनों का तस्करा किया तो मूसा ने अपनी कौम से सबसे पहले ही कहा था कहा या कौम इस तयीन वे वेरी कौम के लोगों अल्लाह तबारक तला से तुम क्या करो सब्र के जरिए मदद तलब करो सब्र करो अपने आप में जिस तरीके से फिराउन का तम है कि सबसे पहले उसने हुक्म दिया कि बच्चों को कत्ल कर दिया जाए लड़कों को कत्ल कर दिया जाए तो ऐसी सूरत में बनी इसराइल को बहरहाल तरह तरह की अजियतें तकलीफें दिया फिर ने फिर उसके बाद मूसा और हारून ने दुआ की जिसका तस्करा कुरान ने जो है उसका नक्शा खींचा है कहा फिरौन और मूसा की दुआ के सिलसिले में कौलकदही बद दावत हु हमने तुम दोनों की दुआ को कबूल कर लिया हमने तुम दोनों की दावत को कबूल कर लिया है और बनी इसराइल ने भी दुआ की चालीस साल भटकते रहने के बाद ये सारी माजरा अल्लाह तबारक तला ने कुरान में उसका जिक्र किया है और बनी इसराइल की तोबा को कबूल किया लेकिन फिर जब गर्क होने का मौका आया तो इसी सूरत में उसने कहा कि अब मैं बनी इसराइल का जो रब है उस पर ईमान लाना चाहता हूँ बनी इसराइल का जो रब है अब मैं उस पर ईमान लाना चाहता हूँ तो कहा इससे पहले तो क्या कर रहा था आल आना वक़द आसई तकबल वकुन तमीन मुफ्सिदीन इससे पहले तो अब यहां देख रहा है तो अपने आप में गर्क होने वाला है तुझे मालूम हो गया कि अब तेरी दुनिया खत्म होने वाली है तो अब तू कह रहा है जबकि इससे पहले तू तो दुनिया में फसाद मचा रहा था। तो कह रहा था था तो कह कि मैं रब हूं कहां से रब है अब ये अल्लाह तबारक तला ने जिक्र किया है तो क्या है बनी इसराइल ही के सब्र के नतीजे में अल्लाह तबारक तला ने उनको फिरौन से आजादी दी फिर उसके बाद फिर गर्क हुआ तो बनी इसराइल को निजात मिली तो बहरहाल यही सब्र का नतीजा था वजह से अल्लाह तबारक तारा ने फिरौन की गुलामी से आजादी उसको दिलाई तो यहां कहने का मकसद यह है कि एक मोमिन हमेशा सब्र करते रहना चाहिए यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बहुत सारी जो चीज़ें हमें मिलती है वो ये है कि सब्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र अपनों से तकलीफ हुई गैरों से तकलीफ हुई मक्का वालों से भी हुई बाहर वालों से सबसे ज्यादा ये हुआ कि आप मक्का वाले मुझे निकाल देंगे पहली वही के नजूल के बाद जो वाक्य का तस्करा इससे पहले के शेख ने किया तो उसमें जो है खदीजा रजी अल्लाह तक वरकिन नौफल के बाद जब ले गई तो इसी सूरत में कहा कि ये ऐसा वाक़ है कि जिस शख्स के पास भी ऐसा पैगाम आया है तो उसको उसकी कौम निकाल देगी अब मुखरीजी क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी बहुत तकलीफ दा था उस वक्त ये वाक़ जब आप सल सल्लाम को मक्का से हिजरत करने का तबारक तकम दिया उस वक्त भी आपने कहा था अगर ये मक्का वाला मुझे बहुत मुझे महबूब है मक्का मुझे बहुत प्यारा है मक्का लेकिन क्या है सब्र आप वसल्लम ने किया लेकिन उसी सब्र के नतीजे में अल्लाह तबारक तआला ने मदीने को हिजरत करा फिर उसके बाद का जो हालात पैदा हुए मुसलमानों के लिए जिस तरीके से दावत के लिए इस्बाब जिस तरीके से दावत के मराहिल जिस तरीके से लोगों में दावत आम की गई दुनिया में यह सब क्या है इसी सब्र का नतीजा था कि आप सल्लाह वसलम ने जिस तरीके से छुपे अंदाज से जिस तरीके से फरदन फरदन जिस तरीके से मुसलमानों को आपके सामने तकलीफ दी गई बेशुमार का कत्ल किया गया सब कुछ हुआ ये सारी चीजें सब्र के नतीजे में ऐसा हालात पैदा किया अल्लाह तबारक तला ने कि जिसकी बुनियाद पर आगे चलकर यही हालात ऐसे पलट खा पलट खाए कि जिसकी वजह से इस्लाम का बोलबाला होने लगा और सारे जो है कुफर और शिरक दुनिया के जितनी कौमें थी इस्लाम के छाए तले दबने लगी ये अल्लाह तबारक ताली ने इस कस्म का मामला यहाँ आप सल्लल्लाहु सल्ला वसम के साथ किया तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु सल्ला वम की जो सीरत है ये बिल्कुल नुमाया है हैतबर शख्सियत है तो आपका हर हर पहलू जिंदगी का हमें अपनाने की जरूरत है जिंदगी का कोई भी एक गोशा देखें जिसमें आपकी बेशुमार्ला आप वसम की इम्तियाजी खसूसियात निकलेंगी तो ये अल्लाह तबारक ताली ने आपकी पूरी सीरत को घेर के रखा है कि दुनिया में वो वाद शख्सियत है जिसके हर हर पहलू पर हम जो है अपने आप को आइडियल बना सकते हैं उनके नक्श कदम पर चल सकते हैं ये अल्लाह तबारक तला ने हुम दिया जिस तरीके से मैंने शुरू में कहा था शुरू में जो आयत मैंने तिलावत किया आप लोगों के सामने लकत का हसन अल्लाह के रसूल सल अल्लाह क्या है एक उ है एक नमूना है कुदुआ है हर हैसीत से आप बाप के हिस्से से देखें शोहर के हिस्से से देखें कायद के हिस्से से देखें जिम्मेदार के हिस्से से देखें इमाम के हिस्से की देखे जर्नील से किस हसी से देखेंगे आपको हर ना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुदवा है नमूना है इस पर हम क्या है अपने आप को उनके नक्श कदम पर चलाकर अपनी जिंदगी सवार कर सकते जो सवार सकते हैं दुनिया भी हमारी बन सकती है उखरबी जिंदगी में भी हम कामयाब हो सकते हैं तो अल्लाह तबारक तला ने आपको उसवा बनाया है तो लिहाजा हम ही जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा मानकर अपनी पूरी ज़िंदगी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े आपके कदम पर चलने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए बस अपनी बात इन्हीं चंद बातों में ख़त्म करता हूँ आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए अल्लाह जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रखे ख़ातिमा बिलखैर फ़रमाए खातिमा से महफूज़ फरमाए मरने के बाद जन्नतुल जन्नतफो हंसी फरमाए وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين